हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रैशनल एंड इरैशनल नंबर। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट 1.2, 1.3 का वीडियो अपलोड किया था। अगर आपको वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर रूट टू इज शोन ऑन द नंबर लाइन। स्टेप्स आर गिवेन टू शो रूट थ्री ऑन द नंबर लाइन यूजिंग रूट टू। फील द बॉक्सेस प्रॉपरली एंड कम्प्लीट द एक्टिविटी। मीन्स यहाँ पे हमको एक्टिविटी पार्ट है। रूट टू हमको नंबर लाइन पे दिया है, उसके बेसिस पे हमको रूट थ्री ड्रॉ करना है और उसके लिए हमको बॉक्सेस फिलअप करना है और एक्टिविटी कम्प्लीट करनी है। तो यहाँ पे हमको एक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर। अब यहाँ पे हमको क्यू जो है वो कौन सा नंबर शो करता है, तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि क्यू जो है वो रूट टू शो करता है। तो यहाँ पे जो बॉक्स में आएगा हमारा रूट टू। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द नंबर लाइन इज ड्रॉन थ्रू द पॉइंट क्यू। पॉइंट आर इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम क्यू ऑन द नंबर लाइन। अभी आप ये देख सकते हैं कि क्यू आर का जो वैल्यू है वो यूनिट डिस्टेंस है, मीन्स उसका वैल्यू वन है। राइट एंगल ट्राइंगल ओ आर क्यू इज ऑप्टेन बाय ड्राइंग सेगमेंट ओ आर। अभी सेगमेंट ओ आर को जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ होता है। ओ क्यू इज इक्वल टू रूट टू। अभी ओ क्यू का जो वैल्यू है यहाँ पे रूट टू है एंड क्यू आर का जो वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था वो वन है। बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ओ आर दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू दी होल स्क्वायर प्लस क्यू आर दी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट ओ क्यू का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे ओ क्यू का जो वैल्यू होगा वो रूट टू होगा एंड क्यू आर का जो वैल्यू है वो वन होगा। तो इसके लिए हमने जो एक्टिविटी कंप्लीट करके दी है अभी हम वो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो था हमारा, द पॉइंट क्यू ऑन द नंबर लाइन शोज द नंबर रूट टू। और नेक्स्ट में हमारा था ओ क्यू का जो वैल्यू है रूट टू है एंड क्यू आर का जो वैल्यू वन है। तो हमने रूट टू का जब स्क्वायर किया तो टू आया एंड वन का स्क्वायर वन होता, दोनों को जब हमने ऐड किया तो थ्री हुआ और जब हमने उसका स्क्वायर रूट निकाला तो उसका अंडर रूट थ्री आया। तो हमारा यह अंडर रूट थ्री फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे हमारा ये जो एक्टिविटी पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर टू है एंड क्वेश्चन थ्री है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस से कट हो चुका। तो इस एक्सरसाइज में हमको एक ही सम करने, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।